देखिए ये यहाँ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस गली में जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर उनको भी अब यहाँ से एक तरह से रखेदा जा रहा है कि और जो भी जहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ भी उनको एक तरह से द्वारा जो है पहले लाठी चार्ज करके और अब एक तरह से बल प्रयोग कर जो है उनको यहाँ से पीछे की ओर धकेला जा रहा है कि वो इधर की ओर इस चौराहे की तरफ जो है वो नहीं आए। कई जो है बीजेपी की जो नेता हैं वो यहाँ पर अभी भी डटी हुई थी तो उनको महिला पुलिसकर्मी जो है उनके ये बिल्कुल लोगों को यहाँ से धीरे धीरे सबको यहाँ से पीछे पीछे की ओर धकेला जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और देखिए जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों का जत्था आ रहा है पुलिस वाले जो हैं और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो दोनों तरफ से आक्रामकता देखी जा रही है। जो महिला प्रदर्शनकारी भी हैं वो भी यहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस बल जो है उनकी संख्या जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदर्शन जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं उसी अनुपात में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी वो जत्थे के साथ आए हैं। तो एक बार फिर जो है यहाँ पर लाठीचार्ज की स्थिति जो है लोगों को फिर आप देख सकते हैं कि ये देखिए सम्राट चौधरी जो है वो जत्थे का नेतृत्व कर रहे हैं और पुलिस बल जो है और अब जो है स्थिति जो है और टीयर गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी भी जो है वो पटना के डाकबंगला चौराहे की तरफ जो है वो उसी तेजी से वहां वो बढ़ते भी जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक बार फिर जो है हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का जत्था जो है वो बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी नहीं पड़ रहा आप देखिए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो जत्था है वो अब एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हिस्सा जो है ये महिला प्रदर्शनकारी है जो दिखा रही है कि उनको कैसे चोट लगी है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि अब जो है यहाँ पर ये डाकबंगला चौराहे ना पहुंचे उसके पहले ही जो है पुलिस बल जो है हाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से और आप देखिए यहाँ पर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। विधानसभा मार्च आज बीजेपी निकाल रही है सरकार के खिलाफ और यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ता जो हैं आमने सामने आ गए और पुलिस यहाँ पर बल प्रयोग करती नजर आ रही है और ये हम देख रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी छोड़ती हुई पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं इधर और अब फिर से यहाँ पर लाठीचार्ज की स्थिति हो रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी भी जो है वो भी उधर से पत्थरबाजी हो रही है और निश्चित रूप से फिर से लाठीचार्ज का दौर जो है फिर अदिति शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
वीर को अलग अलग किया गया है। आप देखिए प्रदर्शनकारियों का एक जत्था इधर है, उसके ऊपर में इधर लाठी चार्ज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये सम्राट चौधरी है हमारे साथ, सम्राट जी लोकतंत्र की हत्या है। पर कितने लाठियां बरसी है नीतीश कुमार, कितने भी लाठी बरसाओ के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा। लाठी चार्ज नीतीश कुमार के गुंडों ने किया, आप पर लाठी भी चलिए।